चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। वील बी जस्ट डूइंग फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वर लेफ्ट एंड कुछ नोटेशंस हैं। सो प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस मतलब क्या होता है, विच इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, sample space is denoted by omega. This is basically your capital omega. Greek letters में भी capital and small होता है, this is capital omega. So for example, if you throw a die, what are the possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the possible outcomes. So ये क्या हो गया हम लोग का omega, ठीक है। अब उसके बाद if I define an event, what is an event? For example, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे I want even नंबर, व्हेन आई थ्रो अ डाई व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द आउटकम्स फॉर इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको क्या हो जाएगा 2, 4, 6। सो एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस, राइट। दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ओमेगा। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस एज ओमेगा, बट दिस इज अ स्मॉल लेटर ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट स्पेस। लेट्स डिफाइन इवेंट स्पेस। सो व्हाट इज इवेंट स्पेस? इवेंट स्पेस यूजली कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स टू विच यू कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स मतलब इवेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। सो इवेंट स्पेस, जैसे सैंपल स्पेस क्या हुआ, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विच आर देयर, वैसे ही इवेंट स्पेस क्या हुआ, इट्स अ स्पेस with different possible events. So for example, and इसको हम लोग denote करते हैं F. So for example, if I tell you, let's say suppose we have two events A and B, only two events A and B. So what are the possibilities? How, if you want to make a event space, how will you make an event space? तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि A occur, let's say suppose what are the different things, A occurs and B does not occur. ये एक चीज हो गया। If I say B occurs but A does not occur, या फिर A and B both will occur, या फिर neither A nor B will occur, ठीक है। तो ये आपका चार चीज हो गया। अब आप इसको if you want to just quickly represent this, तो ये neither A nor B will occur is what is null event, मतलब कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी event नहीं हो रहे, दो ही possible events हैं और दोनों नहीं हो रहे, ठीक है। तो let's suppose A and B दो events हैं, तो अब हम लोग वो जो पूरा event space है, वो पूरा इवेंट स्पेस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए दिस इज द फर्स्ट वन, ए अकर्स बी डज नॉट, बी बी अकर्स ए डज नॉट, ए एंड बी बोथ अकर्स, ठीक है, या फिर बोथ डज नॉट अकर विच इज अ नल इवेंट, गॉट इट, विच इज अ नल इवेंट। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस क्या होता है, जस्ट लाइक सैंपल स्पेस, इवेंट स्पेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक सेट थ्योरी हमने पढ़ा था, बट क्विकली इफ यू जस्ट रिवाइज, सपोज दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो यहां मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा है, सो आई एम सेइंग ए इंटरसेक्शन बी इज, अगर मैं आप देखो यहां पे अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या आएगा, जीरो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जीरो। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, नल इवेंट, ठीक है। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इज दिस एंटायर पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी, क्लियरली हमने पढ़ा है। सिमिलरली दिस ए एंड बी टूगेदर, ए एंड ए बी दोनों आपने ले लिया, तो इट्स लाइक ए प्लस B, which is a union, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a union, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, intersection, ठीक है। We have done these. Similarly, ये आपका पूरा A वाला part है, ठीक है, इसको छोड़ के मैंने बाकी पूरे area को shade किया, meaning it is a complement, and a complement, probability of a complement is 1 minus probability of a, ये हम लोग को पता है, सिंपल, ठीक है। नाउ देर आर अ फ्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देर आर थ्री बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज लिखो एनी इवेंट
इन द इवेंट स्पेस एफ, एफ में हम लोग ने अलग अलग इवेंट्स करा था, एनी इवेंट ए इन द इवेंट स्पेस एफ हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मतलब प्रोबेबिलिटी ए आइदर इट इज अ जीरो ऑब्वियसली और इट इज एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो. सो ऑल द इवेंट्स, इवेंट स्पेस क्या हो गया, ऑल द पॉसिबल इवेंट्स टूगेदर यू आर टेकिंग इन एन इवेंट स्पेस. दिस इज सैम्पल स्पेस, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, इवेंट स्पेस इज ऑल द पॉसिबल इवेंट्स. तो इवेंट स्पेस में जो भी इवेंट्स हैं आपके, लेट्स सपोज एनी इवेंट ए विल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इन इन दिस ओमेगा, ये क्या था, सैंपल स्पेस, वेरी गुड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन. मतलब सारे जितने भी पॉसिबल आपके इवेंट्स हैं, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स जितने भी पॉसिबल है इन द सैंपल स्पेस, ठीक है, इन द स्पैन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन. मतलब अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो, जैसे पिछले बार में मैंने क्या लिखा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबका प्रोबेबिलिटी इज एडिंग अप टू वन बिकॉज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स यू हैव इंक्लूडेड. थर्ड पॉइंट, इफ इवेंट्स ए वन, लिखना, इफ इवेंट्स ए वन एंड ए टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन ए टू, सॉरी यूनियन ए टू इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ए टू. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ए वन एंड ए टू टू इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, नॉट एग्जॉस्टिव. ये चीज याद रखना, एग्जॉस्टिव का मीनिंग होता है कि भाई इतने ही इवेंट्स पॉसिबल है. मतलब आप बोल रहे हो ए वन एंड ए टू इवेंट्स ही पॉसिबल है, तो आपका दिस विल बी एडिंग अप टू वन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ. एक्सक्लूसिव का मीनिंग अगर खाली हम बोलते हैं, एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है कि आपका इंटरसेक्शन इज अ जीरो. तो ये आपका क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जहां हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरसेक्शन क्या है, जीरो, नल. तो जहां एक्सक्लूसिव होगा आपका ए यूनियन बी क्या हो गया, ओनली ए प्लस बी बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन. सो यू सिंपली जस्ट एड ऑल ऑफ इट. ठीक है, अब अगर हम लोग देखें ऑफ दीज इवेंट्स विच आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ए यूनियन बी इज वॉट, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. क्यों, क्योंकि आप ये पूरा ले रहे हो तो इसमें आप इसको काउंट करो. ठीक है, आप ये पूरा ले रहे हो, इसमें आप इसको दोबारा से काउंट करो बी में भी. सो यू आर काउंटिंग दिस एंटायर पार्ट ट्वाइस, बट इसको कितने बार काउंट होना चाहिए था, ओनली वंस. तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. गॉट इट. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला. सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योर प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकालो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी. सो अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब आप खाली बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, 2, 4, 6, क्या है आपका 2, 4, 6, 3 इवेंट्स आउट ऑफ टोटल 6 इवेंट्स, तो आपका प्रोबेबिलिटी 0.5 है. बट नाउ आई टेल यू, गिवन दैट इट्स इवन नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि गिवन आपका मान लो वैल्यूज आ रहा है बिटवीन 1 to 5, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन इवन नंबर. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 and 4 खाली, ठीक है, 2 and 4, तो 2 and 4, 2, एंड यहां पे मैंने क्या बोला कि क्या है रेंज 1 to 4 and 5, तो कितने 5 वैल्यूज हैं, तो 2/5. सो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, इधर जब आप ए गिवन बी बोलते हो, आप बोलते हो बी हो चुका है, तो जब बी हो चुका है तो ये तो नैरो डाउन होके बी हो जाएगा ना,
ये ऑल इवेंट्स नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी बी हो चुका है तो वो आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ द एंटायर प्रोबेबिलिटी, एंड ऊपर में इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, सो इफ वी स्टडी दिस डायग्रामेटिकली, हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स सपोज कंसिडर दिस डायग्राम. ठीक है, ये आपका एक इवेंट सेट है बी, ये पूरा आपका एक इवेंट सेट है बी, ये बाहर वाला पार्ट आपका 36% है, ये जो आपका बॉक्स है ये आपका इवेंट है ए. ठीक है, दिस पार्ट इज 4%, दिस पार्ट इज 12%. फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इज 12+4=16%. ये चीज क्लियर है, वेरी सिंपल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी मतलब बी हो रहा है, मतलब आप इस पार्ट में हो, इस पार्ट में आप आ चुके हो. नाउ इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एंटायर इवेंट सैंपल स्पेस, यहां पे क्या था 16% डिवाइडेड बाय 100%, तो आपका 16%, मतलब ये पूरा पार्ट आप ले रहे थे. बट यहां आप क्या बोल रहे हो, ए गिवन बी में आप क्या बोल रहे हो कि बी हो चुका है, मतलब ये वाला पार्ट हो चुका है, तो अब आप क्या ले रहे हो 48%, 36+12, 48% हो चुका है, इसमें से प्रोबेबिलिटी कि ए भी हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया ये वाला, तो 12/48 गिव्स यू 25%. सो आपका प्रोबेबिलिटी एक तरीके से इट्स गोइंग अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इज गोइंग अप. क्लियर, अंडरस्टूड? ठीक है, दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्लियर, देख लो इसको. सो यहां अगर हम लोग देखें क्या करें, जूम इन कर रहे हैं इस एरिया को, अगर हम लोग देखें ढंग से इस जो ये बॉक्स है ऑरेंज वाला, इसमें हम लोग जूम इन कर रहे हैं जहां बोल रहे हैं ये आपका 75% एंड ये 25%. तो बेसिकली व्हाट यू आर जस्ट सेइंग दैट जब आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आप क्या करते हो, आपका कंडीशन में नीचे में अब आपका टोटल नहीं है, अब आपका एक प्रोबेबिलिटी आ चुका है, बी वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. नाउ दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ा है. सो वॉट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेट्स से सपोज यू हैव एन इवेंट बी. ठीक है, आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज 1, है ना, यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, मतलब बी होने का एंड बी नहीं होने का. ऑब्वियसली एडअप होके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि आपका बी और बी नहीं होने का तो एड अप टू 1 ही होगा ना. ठीक है, अब यहां आ जाओ, एक बार उसको भूल जाते हैं हम लोग, उसको फिर से पढ़ेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेट थ्योरी. तो ये वाला जो सेट डायग्राम है हम लोग का, इसमें लेट्स सपोज ये मेरा एक इवेंट है बी 1, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये वाला मेरा पार्ट बी 2 है, दिस इज बी 3 एंड दिस एंटायर पार्ट इज बी 4. ठीक है, और ये मैं बना रही हूं इसमें एक इवेंट, ऊपर से मैंने डाला ए. ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू ऑल टाइम, यू नीड टू कैलकुलेट. सो बेसिकली हो क्या रहा है, ऑल बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. व्हाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर मैं बोलूं बी 1 इंटरसेक्शन बी 4 निकालो 0, बी 1 इंटरसेक्शन बी 3 निकालो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए ना, ये सारे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो अब मैं बोल रही हूं कि निकालो प्रोबेबिलिटी, पहले तो चलो लेट्स टेक आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जस्ट ए, सिंपल अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. 9+12+14 कितना आ रहा है, 35% आ रहा है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, अब आप लोग निकालो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी 1, ए गिवन बी 2, ए गिवन बी 3, मतलब अगर मैं एक करके दिखाऊं, ये आपका पूरा पार्ट बी 1 है, तो गिवन आपका बी 1 हो रहा है, बी 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी 16+14 कितना 30%, given B1 हो रहा है, what is the probability कि A होगा, is 14% only this part, so 14/30, 46.6%, similarly सारा निकालो एक बार, पानी. ठीक है, नेक्स्ट ए गिवन बी 2 क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा बी 2 है, देख लो दिस पार्ट इज योर बी 2. ठीक है, अभी जो पूरा बी 2 है, बी 2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 13+9 22%,
एंड उसमें से ए होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 9%, तो 9/22 ऐसे करके आपका सिमिलरली ए गिवन बी थ्री आ गया, दिस इज बी थ्री, बी थ्री पूरा बी थ्री होने का गया 28, उसमें से ए गिवन बी थ्री हो चुका है 12%, 12/28, ठीक है. अगेन ए गिवन बी फोर, सो बी फोर हो चुका है 20%, बट बी फोर हो चुका है, बताओ प्रोबेबिलिटी कि ए होगा 0%, क्योंकि बी फोर अगर हो चुका है तो ए तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इट्स नॉट ओवरलैपिंग, राइट. तो ये आपका जीरो हो गया. नाउ इफ आई टेल यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट्स से सपोज सब इग्नोर कर दो, ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता, व्हाट यू ओनली हैव इज दिस this information, that's it. You don't have anything else. You don't know this diagram. You don't know anything of your. You just have these four figures with you. Find probability of A. And what we are saying, ye bahut extremely important hai that all the B's are mutually exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive. Likh lo usko. एग्जॉस्टिव होगा तभी तो आपका समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द बी विल एड अप टू वन ना. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, ए निकालना है, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, गिवन खाली हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी का समेशन, मतलब बी वन हुआ, प्रोबेबिलिटी बी वन हुआ, गिवन बी वन हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गिवन बी टू हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे करके हम लोग सारे बीज को ऐड करेंगे जितने भी बी पॉसिबल केसेस हैं. सो लेट्स सपोज यहां देखते हैं, गिवन आपका बी वन हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, 14/30% इनटू प्रोबेबिलिटी. अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी वन इनटू, तो आपको ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, फिर ही तो आपका ए गिवन बी वन होगा. सो 30% हो चुका है, अब ये जब हो चुका है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, 14/30. आपका बी टू हो चुका है, 22% है, देख लो बी टू 13+9 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी टू. आपका बी थ्री हो चुका है, ए गिवन बी थ्री, एंड दिस इज आपका बी फोर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग विच इज जीरो. इफ यू जस्ट टेक ऑल ऑफ इट यू विल गेट 35%. This is your law of total probability. Probability of A, अगर निकालना है, which is what? Unconditional probability. But आपको question में खाली conditional probabilities ही given है और आपको कुछ भी नहीं given है, तो आप कैसे निकालोगे? You will just add it up. ठीक है? This is your law of total probability. Understood? Clear? Next आ जाओ. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीफी फेलियर. सो व्हाट इज सीफी? सीफी इज बेसिकली एफआई इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दिस इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना, एफआई जैसे तुम्हारा बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ऑल ऑफ दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बट व्हेन आई से सिस्टमैटिकली important financial institutions, meaning these are big financial institutions, insurance company, corporate houses, not corporate houses, financial institutions ho gaye, mutual funds ho gaye. To ye jo aapke big financial institutions hai, which actually is systematically very important for the economy, usko hum log CFI bolte. To let's say suppose if I am saying that the probability of at least one CFI failure, matlab any one financial institution failing, FI failing is 1%, ठीक है. अब अगर इसी में लिखो, इसके बाद लिखना, if I am saying that given that one CFI has already failed, given that at least one CFI has already failed, there is a 0.2% chance. There is a 0.2% chance that exactly one CFI will fail, or two CFI will fail, three CFI will fail, four or five CFI will fail. ठीक है?
अंडरस्टूड, क्लियर? तो यहां मैंने क्या बोला, फिर से आई जस्ट रिपीट क्विकली, ये वाला जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद रखना ठीक है। यहां मैंने बोला है अगर आप ऐसे देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट वन सीफी फेल इज लेट्स सपोज 1%, एंड लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ कि व्हेन वन सीफी हैज ऑलरेडी फेल्ड दैट इज 20%, ध्यान से सुनना, 20% चांस ऑफ नंबर ऑफ सीफी फेलिंग एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, ये होगा। नाउ सुनना, इन अदर वर्ड्स आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन, सपोज दैट वेन एटलीस्ट वन सीफी फेल्स देर इज अ 20% चांस दैट द नंबर ऑफ सीफी फेलिंग एग्जैक्टली इज 1, 2, 3, 4, 5 इज 20%, ये मैं बोल रही हूं। इन अदर वर्ड्स देर इज अ 0.2% चांस दैट वन सीफी फेल्स, 0.2% चांस दैट टू सीफी फेल्स। ये 0.2 कहां, 0.2 कहां से आ रहे, 1 × 20% करके, समझो 1 × 20% करके आपका ये 0.2% आ रहा है कि आपका वन सीफी फेल होगा इज 0.2%, टू सीफी फेल होगा इज 0.2%, गॉट इट? ठीक है, तो अब अगर ले लो मैं अगर आप लोगों को अब क्वेश्चन दूं, फाइंड एंड लेट्स सपोज लेट्स डिफाइन एंड एट मैक्स ओनली 5 सीफीज कैन फेल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इससे ज्यादा सीफी फेल होने देगा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, बिकॉज अगर इससे ज्यादा सीफीज फेल हो गए तो पूरा इकोनॉमी आपका कोलैप्स हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट दे डोंट यू नो दे मैनिपुलेट द एंटर इन टू एंड मे बी दे सेव these particular CFE, so they don't allow more than 5 CFE to fail. So let's define an event E1. E1 is basically an event, likho, E1 is an event of one or more CFE failures. E1 is an event of one or more CFE failure. So one or more matlab at least one. मतलब इट्स ऑल अबाउट, जब आप प्रोबेबिलिटीज करते हो ना, इट्स ऑल अबाउट द वर्डिंग्स, कैसे आप वर्डिंग्स बोलते हो। एटलीस्ट वन इज सेम एज वन और मोर, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1, ई1 इज 1%। इफ दिस इज अ केस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर फेलियर्स गिवन दैट एटलीस्ट one failure has occurred. Find the probability of two or more failures given one has already occurred. Find the probability of two or more failures given at least one has failed. So let's define a new event E2. E2 is basically two or more failures. E2 is basically two or more failures. So क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, A गिवन B, इस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी E1, ये होगा पूरा चीज, करेक्ट। अब इसमें बाय कंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज व्हाट, एटलीस्ट वन फेलियर, वन और मोर, एटलीस्ट वन फेलियर। E2 इज वॉट, मोर देन वन फेलियर, मोर देन टू फेलियर। E2 इज टू और मोर फेलियर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर E1 इज वन और मोर फेलियर एंड E2 इज टू और मोर फेलियर, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्टी वाला विच इज E2, मतलब E2 इज अ इंटायर सबसेट ऑफ E1। अगर हम लोग इसको सेट थ्योरी से बनाए, दिस इज योर E1, इसके अंदर ही आपका E2 आ रहा है, क्योंकि E1 इज वन और मोर फेलियर, इसके अंदर ही टू और मोर फेलियर का एक सबसेट आपका बन रहा है। सो E1 इंटरसेक्शन E2 इज नथिंग बट E2 इंटायरली इज अ सबसेट, इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं ना ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज व्हाट, टू और मोर फेलियर्स। अब मैंने बोला था एग्जैक्टली गिवन वन फेलियर हो चुका है, एग्जैक्टली वन फेल होने का 0.2 है,
टू फेल होने का पॉइंट टू है, इसका पॉइंट टू, इसका पॉइंट टू, इसका पॉइंट टू है, तो इससे ज्यादा टू और मोर का आप सब लोग ऐड कर दोगे, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, कितना आएगा आपका 0.8% आएगा, 0.2 इंटू फोर कर दोगे 0.8% आया, तो 0.8% डिवाइडेड बाय आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर विच इज 1%, यू आर गेटिंग एन आंसर ऑफ हाउ मच, 80%. 80% इज वॉट, गिवन एटलीस्ट वन बैंक हैज फेल्ड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर फेलियर विच इज गिविंग यू अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 80%. मतलब आप सीधा यहां से आइडियली 20% से आप सीधा क्लियर, क्यों, एक फेलियर होने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर फेलियर होने का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, देख लो, क्लियर, ओके. नेक्स्ट करते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस. सो बेसिकली हमने पहले इंडिपेंडेंस पढ़ा था, ठीक है, हमने जब इंडिपेंडेंस पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटू बी. अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा चीज है, ये क्वेश्चन है, इफ आई से दैट्स टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, कैन इट ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन इट ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इज इट पॉसिबल, बोलो कैसे, गलत. अगर आप बोल रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जीरो, बट इंडिपेंडेंट में क्या जीरो होता है, ए इंटू बी होता है. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज नॉट इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इज जीरो. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है पता है, कि अगर ए हो रहा है तो बी को फर्क नहीं पड़ रहा, बी हो रहा है तो ए को फर्क नहीं पड़ रहा, टेक आउट द इंटरसेक्शन ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाई यू डू बी गिवन ए, दिस इज व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इज बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए. नाउ सिंस दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, B intersection A is A into B by A which is B. मतलब B given A, A हो चुका है, what is the probability of B? A हो या नहीं हो उससे B को क्या फर्क पड़ेगा, आप ये लोगे. ध्यान से सुनना, आपके पास अम्ब्रेला है, आप अम्ब्रेला बाहर लेके जाते हो या नहीं जाते हो उससे बारिश होगा कि नहीं होगा is not related. Vice versa is related. कंफ्यूजिंग है ये चीज. ए इज दैट यू हैव दिस अम्ब्रेला, यू टेक द अम्ब्रेला आउट और यू डोंट टेक द अम्ब्रेला आउट, दिस इज एन इवेंट. बी इज रेन होने का, रेन होगा या नहीं होगा. सो वेदर यू हैव दिस अम्ब्रेला और नॉट, रेन से तो फर्क पड़ता ही नहीं है, आपके अम्ब्रेला से थोड़ी रेन को फर्क पड़ेगा. सो इट्स ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन. अदर वे राउंड इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू. इज दिस क्लियर, ठीक है. तो सिमिलरली इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमेशा याद रखना एंड इंडिपेंडेंट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा एक डायग्राम है जहां पे मैं बोल रही हूं कि लेट्स सपोज ये पार्ट आपका ए है, ये पार्ट आपका बी है, ठीक है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विच इज द 16%, ये है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट 16%. बट क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज ऑल्सो गिविंग यू 16? प्रोबेबिलिटी ए इज 24 + 16 40% एंड 40% विच इज वॉट, हा, इज दिस 16%, इज दिस 16%. तो ये इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. अब समझ रही हो ना मीनिंग, कि इंटरसेक्शन हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअली, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट है, हमने इंडिपेंडेंस पढ़ा, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अनकंडीशनल इंडिपेंडेंट हुआ.
अब मैं बोलूं कंडीशनल इंडिपेंडेंस समझते हैं, इसको इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है. लेट्स कंसिडर दिस इज योर, ये पूरा इज योर ए, इवेंट ए. ये जो मैंने ब्लू से बनाया है इज योर इवेंट बी. ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया है इधर इज योर इवेंट सी, ठीक है. अब ये सब कुछ वैल्यूज निकालते हैं, समझते हैं. प्रोबेबिलिटी ए 10 + 22 + 3 + 3 + 2 40% आ रहे हैं, काउंट कर लो एक बार, ठीक है. प्रोबेबिलिटी बी 22 + 12 + 3 + 3 40% आ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है. लेट मी मेक इट यूजिंग सम अदर कलर. क्या ये पार्ट है, देखो ए इंटरसेक्शन बी 20 22 + 3 25%. नाउ 14 to 40 16%. इज इट सेम एज 25? सो कैन यू से दैट इट इज डिपेंडेंट, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से सेम नहीं आया ना, तो डिपेंडेंट है बोल सकते हैं. मैं खाली ये भूल जाओ, मैं क्या बोल रही हूं, इट इज डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए गिवन सी. ए गिवन सी देखो क्या है, सी हो चुका है मतलब ये ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी की ए होगा मतलब ये वाला पार्ट है ना. सो 3 + 3 = 6 बाय 3 + 3 + 3 + 3 = 12 6 by 12% इज 50%. प्रोबेबिलिटी बी गिवन सी, बी गिवन सी मतलब ये आपका सी हो चुका है और बी होगा इज दिस पार्ट, क्योंकि ये ब्लू पार्ट था ना पूरा. तो 3 + 3 = 6 बाय अगेन 12 50%. 15 × 50 कितना आता है, 25% आ रहा है. हाँ, अब मैं बोल रही हूं अलग से निकालो ए, ये मल्टीप्लाई करके 25% आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 25% आ रहा है. सो कैन यू नाउ से दैट दीज टू आर इक्वल कैन यू से दैट दीज टू आर इक्वल. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ए गिवन सी इंटू बी गिवन सी. मतलब यहां पे भी अगर आप एक गिवन सी लगा दोगे, तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि ऐसे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब ये अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं था प्रोबेबिलिटी इनटू बी करने से, बट ये कंडीशनली इंडिपेंडेंट है. ए गिवन सी इनटू बी गिवन सी आपका 25 आ रहा है, ये आपका कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, ये आपका कंडीशनली इंडिपेंडेंट है. क्लियर, देख लो इसको. नाउ एक चीज हम लोग लिखते हैं कि इफ एन इवेंट इज, इफ टू इवेंट्स आर अनकंडीशनली डिपेंडेंट, इट कैन बी कंडीशनली इंडिपेंडेंट, ठीक है. वी कैन ऑल्सो से, ध्यान से सुनना, दैट बोथ द इवेंट्स कैन बी अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑल्सो. दोनों चीज पॉसिबल है कि हाँ, ये नहीं हो रहा, मैं बोल रही हूं अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट और कंडीशनली भी इंडिपेंडेंट, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट अदर वे राउंड पॉसिबल नहीं है. कि अगर कंडीशनली इंडिपेंडेंट होगा तो जरूरी नहीं कि वो अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट होगा. क्लियर है? इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर तुम्हारा कंडीशनली इंडिपेंडेंट है तो अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनली भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है. ये भी पॉसिबल है जो हमने देखा, कंडीशनली डिपेंडेंट और अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. अदर वे राउंड इज ऑलवेज पॉसिबल, दोनों तरीके से सब कुछ पॉसिबल है. Got it? Just that you need to understand that there is a difference between
कंडीशनली इंडिपेंडेंट एंड अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट. ठीक है, गॉट इट, डन. सो इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो मैंने यहां लिखा है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी इज ए गिवन सी इंटू बी गिवन सी. दिस इज कंडीशनली जो हमने नीचे पूरा प्रूफ किया. ठीक है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट, दिस इज योर कंडीशनली इंडिपेंडेंट. मतलब एक सी का इवेंट अगर कंसिडर करें तो ही इंडिपेंडेंट होगा, अगर आप सी कंसिडर नहीं करते तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता. गॉट इट. अब इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी के कंटिन्यूएशन में वी विल बी डूइंग बेस थ्योरम, बेस रूल. बेस रूल में क्या होता है, इसको कॉपी कर लो इस ब्लैक से जो मैंने लिखा है. प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी बाय प्रोबेबिलिटी ए. इसको प्रूफ करते, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. सो व्हाट आर वी सेइंग, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, हमने क्या पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी बी. प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, मतलब एक सेकेंड, हाँ ये मैंने क्या किया, इसको इधर, आई हैव जस्ट टेकन दिस हियर. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन बी इनटू बी. नाउ सिमिलरली जस्ट लाइक दिस कैन यू आल्सो राइट प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए व्हिच इज प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ए. नाउ दिस एंड दिस आर इक्वल, सो दिस एंड दिस आर इक्वल टेक्निकली. तो यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए हो गया. अब सब कुछ एक साथ डाल दो, आप लोग को बी गिवन ए निकालना है ना, ये स्टेप आया, ये स्टेप आया. अब आप लोग इसमें, अब आप लोग इसमें ए इंटरसेक्शन बी में ये डालो, probability a given b probability b by probability a which is same as your Bayes theorem. कुछ नहीं किया हमने, a given b क्या होता है, a intersection b, इसको उधर ले जाओ. so if you can just write it like this, आपका b intersection a ये हो जाएगा, this two are same right. अब b given a मतलब ये चीज क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बाय ए, ये तो हम लोग को पता है, ये इन जनरल भी हम लोग को पता है. अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे आप ये लिख रहे हो, गॉट इट, गॉट इट. इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो. सपोज दैट 10% ऑफ, सपोज दैट 10% of fund managers are superstars. 10% of fund managers are superstars. ठीक है, मतलब fund managers में से 10% superstars है. Superstars have a 20% chance of beating their benchmark by more than 5%. Superstars have 20% chance of beating their benchmark by more than 5%. Full stop. Whereas normal fund managers have 5% chance of beating the benchmark by more than 5%. ठीक है, इसका मतलब है कि beating the benchmark more than 5% given it's a superstar, इसका मतलब है beating the benchmark
by more than 5% given it's a normal fund manager is 5%. और ये आपका हो गया probability that it's a superstar. Find the probability that या ऐसे लिखो, काट दो उसको, ऐसे लिखो, there is a fund manager who has beaten the benchmark by 7%. There is a fund manager who has beaten the benchmark by more than 7%. What is the probability that she is a superstar? इसको रिलेट करो विद द बेस थ्योरम एंड करो. सो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, अ फंड मैनेजर इज देयर, शी हैज बीटन हर बेंचमार्क, मतलब गिवन द हाई रिटर्न, गिवन लेट्स टेक कंसिडरिंग अब बेंचमार्क को बीट करते हो उसको हम लोग हाई मानते हैं, ठीक है. गिवन शी हैज गिवन अ हाई रिटर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ सुपरस्टार, ये आपको निकालना है. अगर ऐसे लिखो बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए, ये पूरा चीज है. अब गिवन हाई, मतलब गिवन शी इज अ सुपरस्टार, प्रोबेबिलिटी की वो हाई रिटर्न देगी हमें यहां पे पता है 20% है, मैंने लिखा है सुपरस्टार हाई रिटर्न इज 20% इंटू प्रोबेबिलिटी शी इज अ सुपरस्टार पीएस इज 10%. तो ये हम लोग को पता है, ये सब हम लोग को ऑलरेडी पता है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज प्रोबेबिलिटी कि आपको हाई रिटर्न मिल रहा है. क्या यहां पे कहीं भी हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी हाई रिटर्न या प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5%? लेट्स सपोज इसको आप हाई रिटर्न मान लो, आपने नहीं, आपको क्या गिवन है, एच गिवन एस, एच गिवन एन, आपको क्या गिवन है, आपको कंडीशनल, इट्स लाइक दिस ओनली व्हाट यू डिड, यहां पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन थे. जैसे हमने यहां पे किया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन थे, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ए निकालो. सिमिलरली यहां पे भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपको ये गिवन है कि शी इज अ, मतलब आपको ये गिवन है कि सुपरस्टार होगा तो उसका हाई रिटर्न क्या होगा, नॉर्मल इंसान होगा तो उसका, नॉर्मल फंड मैनेजर होगा तो उसका क्या हाई रिटर्न होगा, बट आपको खाली हाई का नहीं पता. तो आप क्या करोगे, नाउ टेल मी, सुपरस्टार, बींग अ सुपरस्टार एंड बींग अ नॉर्मल पर्सन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, गेटिंग एडेड अप इज वन, पी एस प्लस पी एन इज इक्वल टू वन, 10% एंड 20% इज 80% इज वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर कोई सुपरस्टार है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, अगर नॉर्मल है तो ये आपको पता है कि एस और एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये आपको पता है, राइट? तो आप लोग ये निकाल सकते हो पी है. अगर समझो एक चीज और होता है, अगर एक और कॉन्सेप्ट है पी समथिंग बट वो नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे ना, इट हैज टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न गिवन इट्स अ सुपरस्टार इनटू सुपरस्टार, कि मान लो सुपरस्टार का प्रोबेबिलिटी एंड उसने क्या किया, हमको हाई रिटर्न दिया, नॉर्मल फंड मैनेजर गिविंग अ हाई रिटर्न, सो 10% इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ हाई रिटर्न बाय द सुपरस्टार इज 20%, नॉर्मल फंड मैनेजर इज 90%, गिविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इज 5%, ऑल ऑफ दिस इज गिविंग यू अ 6.5%. सो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग यू अ हाई रिटर्न और क्रॉसिंग द बेंचमार्क ऑफ 5% इज 6.5%, ठीक है. अब ये ले लो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार गिविन हाई, ये जो हम लोग को निकालना था इज 20%, क्योंकि स्टार गिवन स्टार हाई रिटर्न दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ स्टार इज 10% डिवाइडेड बाय 6.5% इज 30.8%. दिस इज वे हायर देन योर 20%. मतलब क्या है, समझो, व्हाट इज 20%, प्रोबेबिलिटी
दैट अ सुपरस्टार विल गिव अ हाई रिटर्न, कितना है 20%। प्रोबेबिलिटी कि हाई रिटर्न हो चुका है बोलो कि वो सुपरस्टार ने किया इज 30.8। सो ऑब्वियसली अगर हाई रिटर्न हो चुका है देर इज अ 30.8% चांस कि वो सुपरस्टार ने दिया है। यहां पे इसका मीनिंग है कि सुपरस्टार का हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहां पे हम बोल रहे हैं हाई रिटर्न हो चुका है प्रोबेबिलिटी कि वो एक सुपरस्टार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी का कंटिन्यूएशन, दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैनेजर इज अ सुपरस्टार, अ मैनेजर इज अ सुपरस्टार आफ्टर ऑब्जर्विंग 2 years of high returns, after observing 2 years of high returns, करो इसको 2 years of high return, मतलब high return इस साल भी और next साल भी high return, and these two events are independent of each other, ये चीज ध्यान रखना, these two events are independent of each other, मतलब एक साल में high return देने का चांस और नेक्स्ट ईयर में हाई रिटर्न होगा या लो रिटर्न इज इंडिपेंडेंट, ईच ईयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कंसेक्यूटिवली 2 साल हाई रिटर्न मिला है, बताओ कि वो सुपरस्टार ने दिया कि किसने दिया, ठीक है करो इसको। तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग को निकालना क्या, अगर तुम लोग ये समझोगे ना देन इट बिकम्स इजी। हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी गिवन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको हाई रिटर्न मिला, बताओ कि वो सुपरस्टार है। गिवन 2 साल आपको हाई रिटर्न मिला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सुपरस्टार है। नाउ आई एम सेइंग 2 कंसेक्यूटिव साल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है। पहले तो इसको लिख लेते हैं बेस थ्योरम के फॉर्मेट में, प्रोबेबिलिटी हाई है गिवन सुपरस्टार इनटू सुपरस्टार, प्रोबेबिलिटी हाई और हाई रिटर्न, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर का सोचो, प्रोबेबिलिटी इट्स अ सुपरस्टार इज हाउ मच 10%, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी हाई रिटर्न, हाई रिटर्न गिवन अ सुपरस्टार, ध्यान से सुनना, दिस इज समथिंग सिमिलर टू वी डिड फॉर अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट या कंडीशनली इंडिपेंडेंट। हमने जो यहां किया था ना, हमने यहां क्या किया था, कंडीशनली इंडिपेंडेंट, ए गिवन सी बी गिवन सी, ये आप बोल रहे हो ए एंड बी आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट कंडीशनड ऑन सी, यहां पे सेम लॉजिक है। आप बोल रहे हो एच एंड एच 2 अलग साल आपस में इंडिपेंडेंट है बट कंडीशनड ऑन एस, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट्स लाइक हाई रिटर्न एक साल, हाई रिटर्न दूसरे साल, गिवन इट्स अ सुपरस्टार, तो सुपरस्टार हाई रिटर्न देगा उसका चांस 20% है पहला साल, दूसरा साल भी वो 20% ही रहेगा। सो इट इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी हाई गिवन अ सुपरस्टार, प्रोबेबिलिटी हाई गिवन अ सुपरस्टार, इट्स लाइक ए गिवन सी बी गिवन सी, 20% × 20%। मैंने क्या बोला, दोनों साल इंडिपेंडेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट है, कंडीशनली, ठीक है, इनटू, तो ये हम लोग का न्यूमरेटर हो गया इनटू 10%। डिनोमिनेटर अब हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी हाई इनटू हाई, अगेन हम लोग को ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग सारे पॉसिबल सबसेट्स ले लेंगे। गिवन आपका हाई और हाई रिटर्न है, ठीक है, मतलब हाई और हाई रिटर्न आपने ऑब्जर्व किया है, तो वो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आपको सुपरस्टार ने दोनों हाई रिटर्न्स दिए या तो नॉर्मल फंड मैनेजर ने आपको दोनों हाई रिटर्न्स दिए। सो सुपरस्टार इनटू गिविंग यू अ हाई रिटर्न एंड नॉर्मल फंड मैनेजर गिविंग यू अ हाई रिटर्न, सो इफ इट्स अ सुपरस्टार प्रोबेबिलिटी इज 10% × 20 × 20 जस्ट लाइक विद दैट, एंड नॉर्मल फंड मैनेजर का प्रोबेबिलिटी इज 1 − 10% 90%, 90 × नॉर्मल फंड मैनेजर का कितना दे रखा था हाई रिटर्न का चांस, 5% दे रखा था, 5 × 5, सो इन टोटल यू आर गिविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हाई कितना कम है देख रहे हो, टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हाई रिटर्न 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज 0.625%, वेरी लो, वेरी लो, कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको हाई रिटर्न मिलेगा इज एक्चुअली वेरी लो, इट्स इंडिपेंडेंट ना, इट्स अनकंडीशनल, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा। तो अब हम लोग सब कुछ इसमें डाल देंगे,
मतलब आपका 20 इंटू 10 इंटू 20 जो ऊपर में था डिवाइडेड बाय दिस इज गिविंग यू अ 64%. दिस इज व्हाट गिवन दोनों साल आपने हाई रिटर्न ऑब्जर्व किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सुपरस्टार? वेरी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ 64%. ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो सुपरस्टार है तो उसका हाई प्रोबेबिलिटी होगा, हाई रिटर्न होगा इस 20%. तो दो कंसेक्यूटिव साल अगर आपको हाई रिटर्न मिल रहा है जिसका ऑलरेडी चांस बहुत कम है, तो वो नॉर्मल फंड मैनेजर नहीं, हो सकता है 64% चांसेस कि वो आपको किसने दिया है, सुपरस्टार ने दिया है. रेस्ट आपका 36% होगा वो नॉर्मल फंड मैनेजर. क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स. आइडियली आप कर कह रहे हो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप जो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर निकाल रहे हो, या ऑल द पॉसिबल सबसेट्स है, ये आपका एक सबसेट वन है, ये आपका एक सबसेट टू है, और न्यूमरेटर में आप वो सबसेट वन ले रहे हो. तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने क्या किया है, आपने सब ले लिया है, सारे सबसेट्स ले लिए, एंड न्यूमरेटर में आप उसमें से कोई एक पॉसिबल सबसेट लेते हो, तभी दिस इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. अगर आपको कभी भी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है एंड यू हैव अ सेट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो आप निकाल सकते हो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दैट्स लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसको यूज करके हम बेस थ्योरम करते हैं, मतलब गिवन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, उसमें से एक सबसेट होने का चांस क्या है, गिवन दोनों साल आपने हाई रिटर्न ऑब्जर्व किया, बताओ कि वो सुपरस्टार है, तो आप कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे? आपने दोनों साल हाई रिटर्न ऑब्जर्व किया, ये आपका आ जाता है डिनोमिनेटर में, जैसा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ठीक है, और इसका जो सबसेट्स है वो आपका ऊपर आएगा. गॉट इट? दैट्स योर बेस थ्योरम, बेस रूल. ओके, चलो.